everyone, this is your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो BSc थर्ड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्पाइसेस। इन स्पाइसेस को आप आमतौर की भाषा में मसालों के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी तो इन स्पाइसेस का मतलब फिर बदल जाएगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पाइसेस को हम कह सकते हैं, स्पाइसेस हमारे प्लांट के ही पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ड्राइड प्लांट पार्ट्स कहते हैं। एक्चुअली स्पाइसेस पे जाने से पहले आप दो वर्ड्स का मतलब समझो, ठीक है। पहला जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कॉन्डिमेंट्स, और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर स्पाइसेस लिखा होता है। तो क्या ये दोनों एक ही वर्ड है? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को ना सिनोनिमसली यूज़ करते रहते हैं, कहीं पर कॉन्डिमेंट्स कर देते हैं, कहीं पर स्पाइसेस कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताती हूँ कि कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस में फ़र्क क्या होता है। स्पाइसेस इज़ द टाइप ऑफ कॉन्डिमेंट, ठीक है। कॉन्डिमेंट एक ब्रॉड वेराइटी है, उसके अंदर हम स्पाइसेस को रख सकते हैं। कॉन्डिमेंट्स उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो कि खाने के बाद खाने में ऐड की जाती हैं और खाने के फ्लेवर को, उसकी लुक को इन्हांस करती हैं, ठीक है। सपोज़ आपका डाइनिंग टेबल है, आप इस डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और यहाँ पर आपकी खाने की प्लेट्स लगी हुई हैं, सब्जी रखा है, दाल रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब्जी और दाल में या फिर आपका कोई फास्ट फूड रखा है, अगर आप ऊपर से कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, चाहे वो धनिया की पत्ती हो, चाहे आपने उसमें क्या कहते हैं टमाटो सॉस को ऐड किया हो, अपने नूडल्स में मेयोनीज को ऐड किया हो, तो खाना बनने के बाद जब खाना आपको सर्व किया गया है, उस चीज़ में अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, उसको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। लेकिन स्पाइसेस कॉन्डिमेंट से थोड़ा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जब आप खाना बना रहे होते हो, कुकिंग के टाइम जब खाना पक रहा होता है, उस टाइम पे आप स्पाइसेस को ऐड करते हो जिससे खाने का फ्लेवर अच्छा हो जाए। तो ये दोनों डिफरेंस जो है वर्ड्स का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्डिमेंट्स किस चीज़ को हम कह रहे हैं और स्पाइसेस हम किस चीज़ को कह रहे हैं। अगर हम बात करें स्पाइसेस की डेफिनेशन की, तो स्पाइसेस आर वेरियस ड्राइड प्लांट पार्ट्स, मतलब ये एक पेड़ का ही हिस्सा है, सच एज रूट, स्टेम, बार्क, ड्राइड लीव्स, फ्रूट एंड सीड। कोई पेड़ है, उस पेड़ के मतलब प्रोडक्ट को, मतलब वो हमारा क्या होगा, सपोज ये हमारा पेड़ है, इस पेड़ का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, प्लांट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो स्पाइसेस को हम प्लांट प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब ये प्लांट प्रोडक्ट चाहे वो रूट से निकला हो, ठीक है, चाहे वो उसकी स्टेम से निकला हो, चाहे वो उसकी बार्क से निकला हो, पत्तियों से निकला हो, सीड से या फ्रूट से निकला हो, और उसको हम यूज़ कर रहे हो किस चीज़ के लिए, फूड आइटम्स को फ्लेवर करने के लिए और कलरिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हमें पता है इंडिया में मसालों का बहुत ज़्यादा महत्व है, सबको तीखा, चटपटा, मीठा, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स हैं इंडिया में। तो वो फ्लेवर्स कैसे आए हैं, वो फ्लेवर्स आए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस अगर हम बात करें तो टेस्ट में थोड़ा पंजेंट होते हैं और ये एरोमेटिक इन नेचर के होते हैं। ये फ्लेवर कैसे आ जाता है खाने में, कभी आपने सोचा? तो ये जो स्पाइसेस हैं तो प्लांट के ही पार्ट, और आपको पता है कि प्लांट में क्या प्रेजेंट है, प्लांट में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट हैं, तो स्पाइसेस भी उन्हीं मेटाबोलाइट्स का ही हिस्सा होते हैं। इन स्पाइसेस के पास क्या होता है, इन स्पाइसेस के बाद बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एरोमेटिक इन नेचर होते हैं और वो वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं। वोलाटाइल कंपाउंड का मतलब क्या है, जब भी आपने उनको किसी चीज़ में रख दिया और वो एटमॉस्फेयर या एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो वो इवेपोरेट करने की वजह से ही हमारे खाने में टेस्ट आता है। हम अगर खाने में कोई स्पाइसेस ऐड करते हैं, एरोमेटिक इन नेचर है, वोलाटाइल कंपाउंड है, वो वाष्पीकरण होगा, वो इवेपोरेट करेगा, और वो जो हमें अरोमा आता है ना, स्मेल आता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि इनके पास ऐसे कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि वोलाटाइल इन नेचर के होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं कि ये इजेंशियल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये इजेंशियल कंपाउंड्स हैं। या फिर कहीं कहीं पे आपने सुना होगा इजेंशियल ऑयल प्रेजेंट है, इजेंशियल कोई मतलब ऐसा कंपाउंड है जो वोलाटाइल है और वो इवेपोरेट होने पर आपको एक तरीके का अरोमा दे रहा है, वो अरोमा ही आपके फूड में आ रहा है और आपको एक अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड हो रहा है। तो ये जनरल क्या कहते हैं एक लैंग्वेज थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये एक जनरल टर्म में आपको मैंने समझाया कि स्पाइसेस को आप क्या कह सकते हो। बॉटनी के स्टूडेंट हो आप तो बॉटनी के स्टूडेंट, अगर आप स्पाइसेस को डिफाइन करना चाहोगे तो आप इनको बोल सकते हो दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप इनको कहोगे दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स।
विच यूज एज इन होल पार्ट और यूज इन द ग्राउंड फॉर्म. ठीक है, मतलब स्पाइसेस को आप होल पार्ट की तरह पूरा ही कि पूरा उसका साबुत यूज कर सकते हो या फिर उसका ग्राउंड पार्ट ग्राउंडेड करके उसको यूज कर सकते हो टू इन्हांस द फ्लेवर एंड सीजनिंग ऑफ द फूड. ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक क्लासिफाई कर देते कि हम पढ़ने कैसे जा रहे हैं. ठीक है, लेट मी टेक अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे. ओके, तो हम स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से. स्पाइसेस को हमने यहाँ पर बोला है कि ये स्पाइसेस हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. प्लांट प्रोडक्ट्स, अब ये प्लांट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट आप प्लांट पार्ट से निकालोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके रूट से निकलेंगे, कुछ आपके राइजोम से निकलेंगे, ठीक है, कुछ आपके स्टेम से निकलेंगे, कुछ लीव से निकलेंगे, कुछ फ्लावर से निकलेंगे और सीड से निकलेंगे. ठीक है, मतलब एक पेड़ में अगर आप बात करो तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. रूट से निकलेगा, राइजोम से, स्टेम से, लीव से एंड सीड से. तो रूट से जो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं कि रूट से हमें क्या क्या मिलता है, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे. अच्छा, आपको याद क्या रखना है, तो आपको इसका बोटानिकल नेम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्नाकुलर नेम, मतलब वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज में उसको हम क्या बोल रहे हैं आमतौर की भाषा में, और वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस पार्ट से निकल रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लोअर मोस्ट पार्ट पेड़ का एक रूट होती है. तो रूट से जो हमें मिलती है उस स्पाइसेस का नाम है एसाफोइटिडा. ठीक है, एसाफोइटिडा, इसको हम आमतौर की भाषा में हींग कहते हैं, हींग. इसका अगर हम बात करें बोटानिकल नेम क्या है, तो बोटानिकल नेम इज फेरुला एसाफोइटिडा. ठीक है, आपको याद रखना है फेरुला एसाफोइटिडा. इसकी फैमिली एपिएसी है, एपिएसी फैमिली वही धनिया वाली फैमिली जो है आपकी, वही इसकी भी फैमिली है. और ये कहाँ से निकलता है, ये रूट से निकलता है. ये धनिया की जैसे, मतलब धनिया की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो पेड़ होगा, ऊपर इसका शूट होगा, ठीक है, नीचे इसका रूट होगा. रूट के पार्ट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. रूट में जब कभी आप कुछ पेड़ों को काटते होगे तो कुछ लेटेक्स जैसा निकलता होगा, तो ये जो फेरुला एसाफोइटिडा का पेड़ है इसमें क्या कहते हैं, लेटेक्स जैसा निकलता है, उसी लेटेक्स को हम ड्राइड करते हैं और हींग की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में. नेक्स्ट अगर हम आए तो बार्क, अब हम रूट से ऊपर की तरफ आ गए हैं. बार्क जिसे आप छीलन कहते हो पेड़ की, क्या वो छीलन भी स्पाइसेस की तरह यूज़ की जा सकती है? यस, उसके एग्जांपल है सिनामोमम या फिर दालचीनी जिसे आप जानते होगे लकड़ी जैसी होती है, तो वो हमारा बार्क से एक्सट्रैक्ट होती है. बोटानिकल नेम क्या है, बोटानिकल नेम है सिनामोमम ज़ेलानिकम. ठीक है, बोटानिकल नेम क्या है, सिनामोमम ज़ेलानिकम. ये फैमिली लॉरेसी से बिलोंग करती है और इसका जो पेड़ यूज़ किया जाता है एज अ मसाले वो इसकी बार्क है, पेड़ की छाल है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेम, अब हम बार्क से थोड़ा और अंदर की तरफ आए. स्टेम जो पेड़ का तना होता है उसे हम स्टेम कहते हैं. तो स्टेम से जो हमें मिलता है, या फिर हम यहाँ पर इसे राइजोम भी कह सकते हैं. राइजोम आप जानते हो जो हॉरिजॉन्टली पार्ट चल रहा होता है पेड़ में नीचे की तरफ, उसे हम राइजोम कहते हैं. तो टर्मरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, टर्मरिक का नाम है कुरकुमा लौंगा. ये फैमिली जिंजरबेरेसी से बिलोंग करती है और इसका जो पार्ट यूज़ किया जा रहा है, जो आप हल्दी खा रहे हो वो हेल्दी क्या है, वो हेल्दी जो आप खा रहे हो वो है राइजोम पेड़ का. ठीक है, पेड़ का जो अंडरग्राउंड स्टेम चल रहा होता है हॉरिजॉन्टल, वो उसका राइजोम है, इसको यूज़ किया जाता है. एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हल्दी का पीला कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, इसमें अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कुरकुमिन. ठीक है, केमिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे डाई फेरुलॉयल मीथेन. ये आपको हल्दी को एक तरीके का मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी देता है, क्योंकि आपको पता है हल्दी पेन के लिए यूज़ की जाती है, दूध में मिला के आप लोग पी लेते होगे, है ना. तो हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, स्पाइसेस वाली प्रॉपर्टी भी है. तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है, इस कुरक्यूमिन की वजह से आती है, और इसी की वजह से हल्दी का येलो कलर आता है. नेक्स्ट स्पाइस की अगर हम बात करें तो अगेन स्टेम की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जिंजर, अदरक. ठंड आने वाली है, आप सब लोग अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, इसके पास भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. ड्राइड अदरक को भी हम, मतलब फ्रेश अदरक तो आपको मिलेगी, लेकिन उसको ड्राइड फॉर्म को भी हम सुखा के रख सकते हैं, जिसको हम सौंठ कहते हैं, आपने सुना होगा. काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में ये, और आपको कोल्ड एंड कफ से बचाता है. इसका बोटानिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल. ठीक है, इसका बोटानिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल है. ये फैमिली जिंजरबेरेसी से बिलोंग करता है और इसका भी हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो अब हम स्टेम से ऊपर की तरफ आ गए हैं। क्या कोई पेड़ों की पत्तियां हैं जिसे हम स्पाइसेस की तरह यूज कर सकते हैं? तो यस, जो तेज पत्ता होता है, वो पेड़ की तो पत्ती है ना, उसको हम तड़के के लिए यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसका नाम है बे लीव्स, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम तेज पत्ता कहते हैं, लेकिन बोटानिकल लैंग्वेज में इसका नाम है सिनामोमन टमाला। ठीक है, ये भी लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बोटानिकल नेम सिनामोमन टमाला है। इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो सिनामोमन कोई और स्पीशीज थी, ये कोई और स्पीशीज है। तो स्पीशीज का आप लोग याद रखेंगे। इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो, ये लीव्स इसका यूज होता है। नेक्स्ट अब हम फ्लोरल पार्ट्स पे आ गए हैं, जो क्या ऊपर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वहाँ से हमें क्या क्या कौन कौन से मसाले मिलते हैं। तो लौंग मिलती है वहाँ से। लौंग सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्पाइस है, बहुत पुराने समय से इस स्पाइस को यूज़ किया जा रहा है। इसके पास भी एरोमा होता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसका बोटानिकल नेम है शाइजमम एरोमेटिकम। ये फैमिली मिर्टेसी से बिलोंग करती है, जो अमरूद वाली फैमिली है, कुछ उसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। और इसका जो ये लॉन्ग आप देख रहे हो, ये लॉन्ग एक्चुअली क्या है, तो ये है अनओपेंड फ्लावर बड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्पाइस है, क्योंकि इस पर पूछा जाता है कि इसका आप जो लॉन्ग खा रहे हो वो लॉन्ग क्या है, तो वो लॉन्ग है एक फ्लावर बड है, जो कि अनओपेंड है अभी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और कौन से फ्लोरल पार्ट से हमें मिलता है, तो हमने केसर के बारे में सुना है। केसर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली स्पाइस है। अगर हम बात करें मोस्ट प्रीशियस या कॉस्टली स्पाइसेस की बात करें हम, तो उसमें केसर आ जाता है, जिसे हम सैफ्रॉन कहते हैं। इसका बोटानिकल नेम क्रोकस सेटाइवस है। ये फैमिली एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। कहीं कहीं आपको इरिडेसी भी यहाँ पर आप देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टिग्मा और स्टाइल इससे आपको मिलता है। जो आप केसर खा रहे हो, ये केसर क्या है, ये एक फ्लावर का स्टिग्मा और स्टाइल है। एक फूल होता है, ठीक है, फूल में आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर देखा होगा कुछ ऐसे करेकर निकलता है, ये उसकी फूल की पत्तियाँ होती है, नीचे फूल की डंडी होती है। तो ये जो ऐसे ऊपर की तरफ जो निकला होता है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल है। इसी को हम यूज़ करते हैं केसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्पाइस की बात करते हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है कह सकते हैं, जिसका नाम है केसर सैफ्रॉन। ये केसर इतना महंगा क्यों मिलता है, आपने कभी सोचा? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो पार्ट्स की क्वांटिटी कम होती है, इस वजह से केसर आपको इतना महंगा मिलता है। तो मान लो ये फूल है आपका, ठीक है, फूल में ये आपकी पेटल्स होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पीछे इसमें इसकी स्टाक है, इसकी डंडी निकली हुई है। इस फूल में आपने दो तीन चीज़ें देखी होंगी, कि यहाँ पर बीच में कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस फूल में यहाँ पर पीछे भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फीमेल पार्ट इसका, ठीक है, जिसे हम फीमेल पार्ट स्टिग्मा स्टाइल कहते हैं। तो ये स्टिग्मा स्टाइल, ये पेटल से नहीं, ये इस स्टिग्मा स्टाइल से इस केसर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और उसकी क्वांटिटी कम होती है, और ये बाय हैंड इसकी प्लकिंग होती है, इस वजह से ये हमारा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बोटानिकल नेम की बात करें तो क्रोकस सेटाइवस इसका बोटानिकल नेम है। फैमिली इज एस्टेरेसी। नेक्स्ट अगर हम फ्रूट की बात करें, तो फ्रूट में आ जाता है हमारी चिली, ठीक है, लाल मिर्च, कैप्सिकम, एनम। फैमिली सोलेनेसी, ब्रिंजल वाली फैमिली, आलू वाली फैमिली है। और इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो मिर्च हम खा रहे हैं, ये एक्चुअली इस पेड़ का फ्रूट खाते हैं हम, ठीक है, ये जो मिर्च हम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, इसमें आपको हरी मिर्च मिलती है, लाल मिर्च मिलती है। हरी मिर्च को आप ड्राइड कर लोगे तो वो लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फ्रूट में ही चला जाता है हमारा टैमरिंड, इमली, ठीक है, विटामिन सी का सोर्स है। इसका नाम है टैमरिंडस इंडिका। फैमिली इस फैबेसी, मटर वाली फैमिली है। और इसकी जो यूज़ करते हैं, वो हम पॉड्स यूज़ करते हैं। जैसे मटर में देखा, मटर की फली होती है, उसी तरीके से इमली की फली होती है, और ऐसी चीज़ों को हम पॉड्स का नाम देते हैं। तो इमली में हम पॉड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रूट्स में ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची, जिसका नाम है इलेटेरिया कार्डमोमम। ये फैमिली जिंजरबेरेसी से यूज़ कर होती है, मतलब उससे बिलोंग करती है, और इसका भी पॉड्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, इसका नाम है अमोमम सुबुलेटम, ठीक है, अमोमम सुबुलेटम, फैमिली जिंजरबेरेसी, और इसका भी हम लोग पॉड यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, अगर क्वेश्चन कहीं मिल जाए कि किंग ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं, तो ब्लैक पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। काली मिर्च जिसे कहते हैं, कुछ लोग इसे गोल मिर्च भी कहते हैं। इसका नाम है पाइपर नाइग्रम, और ये फैमिली पाइपरेसी से बिलोंग करती है। और ये छोटी छोटी आप काली मिर्च खा रहे हो ना, ये काली मिर्च क्या है, ये है उसका फ्रूट पार्ट, आप खाते हो, ठीक है।
नेक्स्ट सीड, तो सीड में आ जाता है आपका नडबक, जिसे हम जायफल कहते हैं। मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस नाम है, मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग कर रही है, और ये आप जायफल सीड की तरह आप इसका जो पार्ट खाते हो वो सीड होता है, और इसके अंदर भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट सीड में आ गया जावित्री। ठीक है, ये एक्चुअली सीड का पार्ट एक होता है एरल, जिसे हम एरल कहते हैं या सीड की कवरिंग कहते हैं। तो वो जो सीड की कवरिंग, देखो सीड है हमारा नटमक जायफल, और सीड के ऊपर जो कवरिंग होगी वो कवरिंग है हमारी जावित्री। तो आपको याद रखना है जायफल और जावित्री हमेशा एक ही उससे होंगे, जीनस के होंगे, मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस। बस फर्क क्या होगा कि जायफल आपकी सीड है और सीड के ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है वो एरिल कहलाएगी, और वो एरिल को जब आप निकाल के मसाले की तरह यूज करोगे तो वो जावित्री कहलाएगी। फैमिली इज मिरिस्टिकेसी। नेक्स्ट सीड में आ जाता है मस्टर्ड, सरसों, जिसे हम ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस कहते हैं। तड़के के लिए यूज होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट भी इससे होता है, और इसकी फैमिली एपीएसी है। ठीक, नेक्स्ट सीड में राई। अच्छा, एक पीली सरसों है वो मैंने बता दिया, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। एक होता है राई, जिसे हम ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, इसका नाम है ब्रैसिका नाइग्रा, और इसके भी हम लोग सीड यूज करते हैं। ठीक, फिर कोरिएंडर, जो धनिया है, इसका बोटानिकल नेम है कोरिएंडम सैटिवम, फैमिली एपीएसी, और इसका हम लोग सीड पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, सीड में एक और चला जाता है अजवाइन। अजवाइन का कॉमन नेम है बाइशॉप सीड, इसका बोटानिकल नेम है ट्राइकोस्पर्मम अमाई, फैमिली एपीएसी, एंड सीड्स आर इसके यूज किए जाते हैं। क्यूमिन, जीरा, जीरा का बोटानिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली एपीएसी, एंड सीड यूज किए जाते हैं। आप देख रहे हो एपीएसी फैमिली से आपको बहुत सारा सीड मिल रहा है, जो वो सीड स्पाइसेस की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सौंफ। ठीक है, माउथ फ्रेशनिंग की तरह भी यूज किया जाता है, स्पाइसेस की तरह भी यूज किया जाता है, जिसका नाम है फाइनिकुलम वल्गेयर, फैमिली एपीएसी, एंड इसके सीड यूज किए जाते हैं। तो ये था कुछ स्पाइसेस के बारे में, मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है प्रॉपर। मोस्टली मैंने अपनी तरफ से जितनी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हैं सबको यहाँ पे कवर किया है। अब आप कुछ लोग समझ लो कि इसको याद कैसे करना है, तो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, जिसमें आपको एक तरफ लिखना है इसका बोटानिकल नेम। ठीक है, बोटानिकल नेम बना इसका याद करना है आपको, दूसरा इसका कॉमन नेम याद करना है आपको, नेक्स्ट आपको इसमें याद करना है कि कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, और आपको इसकी फैमिली याद करनी है। इतनी सारी चीज़ें आपको इस पीपीटी से, इस स्लाइड से आपको इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, जो कि आपका पूरा ये स्पाइसेस का जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर में सेमेस्टर फिफ्थ में इसको कवर कर देगा। आई होप आपको लेक्चर बेनिफिट लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय एवरीवन।